टू हफ्साज किचन डॉट कॉम। मैं हूँ हफ्सा और आप देख रहे हैं हफ्साज किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन नगेट्स बहुत ही इजी और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इसे बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए। 1 कप बोनलेस चिकन चाहिए, ग्राम्स में होगी 250 ग्राम्स। 1 अंडा, 2 खाने के चम्मच क्रीम, 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच गर्म मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच सोया सॉस, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 अदद ब्रेड और 1 कप ब्रेड क्रम्स। ये सब चीज़ें चाहिए हमें चिकन नगेट्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक फूड प्रोसेसर ले लेंगे या चॉपर ले लेंगे, उसमें शामिल करेंगे चिकन। तो चिकन मैंने डाल दी है, अब इसमें शामिल करेंगे ब्रेड। इस तरीके से तोड़ के डालेंगे। तो ब्रेड भी मैंने डाल ली है, अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, क्रीम डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, नमक और काली मिर्च पाउडर। आप अपनी मर्जी से मिर्ची की तादाद ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी पसंद है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो ये चॉप हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो मैंने इसे निकाल लिया है, अब हम एक बोल लेंगे, उसमें 1 अंडा तोड़ लेंगे, अंडे को थोड़ा सा विस्क कर लेंगे। तो अब नगेट्स की शेप्स बनाएंगे। तो मैंने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लिया है, अब हम थोड़ा सा लेंगे इसमें से और इसके किसी भी किस्म की शेप बना लेंगे। इरेग्युलर शेप होती है नगेट्स की, मैं रेक्टेंगुलर बना रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपली बना लेंगे। तो देखिए मैंने एक बना लिया है, इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर लूंगी। तो सारे चिकन नगेट्स मैंने बना लिए हैं, अब एक पकड़ूंगी, उसे पहले अंडे के मिक्सचर में कोट करूंगी, उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करूंगी। तो ये अच्छे से मैंने कोट कर लिया है, इसी तरीके से मैं सारे कर लूंगी। तो देखिए मैंने तमाम नगेट्स बना लिए हैं, अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो तकरीबन मैंने आधा कप तेल डाला है, उसे गर्म कर लिया है। तो अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए एक तरफ से पकाएंगे और 10 मिनट के लिए दूसरी तरफ से। 10 मिनट के बाद हम साइड चेंज कर लेंगे। दस मिनट हो चुके हैं, यानी कि 20 मिनट हो चुके हैं, नगेट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये तैयार है। आपने देखा कितनी आसानी से हमने घर में चिकन नगेट्स तैयार कर लिए। इंग्रेडिएंट्स भी इतने फैंसी नहीं थे, आपको इजीली मिल जाएंगे। अब मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से कुक हुए हैं। तो तैयार है बहुत ही ज़बरदस्त चिकन नगेट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।